तो अभी गाइस देखो हम कहाँ पे हैं। लास्ट टाइम जो दिक्कत आई थी ना वही दिक्कत आ गई है, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा दोबारा। ये भी अभी होना था, देखना कहाँ पे हुआ है, नीचे खाई है पूरी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा अभी हम आए हुए हैं जंगल में, बहुत खतरनाक जंगल में आए हुए हैं, बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हुए आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। अभी फिलहाल हम बना रहे हैं खाना, जो कि जंगली सब्जी हमने तोड़ी थी लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा हमने क्या क्या किया था। हम ऑफ रोडिंग करके आए, हमने चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ, आग किस तरह जलाई। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा ना पहले लास्ट व्लॉग देखो, तभी आपको ये व्लॉग समझ में आएगा कि हम कितना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से हमने आग जलाई, किस तरह से हमने सब्जी भी हमने जंगल से तोड़ी। तो फिलहाल अभी हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, तो इसको खाएंगे और फिर निकलेंगे। और हम आए हैं मॉन्स्टर ट्रक में। तो हम सुबह निकले थे 7 बजे और अभी देखो दिन के 12:30 बज चुके हैं और देखो कितना मस्त लग रहा है, कितनी शांति वाली जगह ये। तो अभी खाना खा के निकलेंगे यहाँ से हरिस्ताल के लिए, खतरनाक एडवेंचर होने वाला है आज और ज़्यादा। हम 2 ही जने आए हैं, पीयूष का तो स्कूल था और साहिल उठा नहीं था। अभी हमको जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे, तो हमको 1 घंटा लगेगा 10 किलोमीटर करने में, बिकॉज रास्ता बहुत खराब है। तो 5-10 की स्पीड में चल रहे हैं, बस बारिश ना हो, बिकॉज बारिश में लैंडस्लाइड होता तो हम फंस जाएंगे भाई। तो आज सिर्फ सब्जी खाएंगे, बिकॉज यहाँ रोटी नहीं मिल सकती हमको और ना ही चावल मिल सकते। और ये चॉपस्टिक है आपकी। तो ये है आज का हमारा खाना, जंगली सब्जी और ये चॉपस्टिक है, ये भी लकड़ी है, पत्तों के ऊपर रख के खाएंगे भाई। कैसे हो रही? बहुत टेस्टी हो रही। तो गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से जंगली सब्जी तोड़ के और इस तरह से बना के पत्तों के ऊपर रख के, और वो भी देखो लकड़ी के साथ खाऊंगा। चॉपस्टिक है हमारी, सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ जंगल का है। बहुत टेस्टी हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं वो भी पत्ते से, इसी को पानी को हम इसमें डाल दें और चूल्हा हम बुझा के जा रहे हैं। देखो कभी भी जंगल में अगर चूल्हा जलाओ तो उसको बुझाना बहुत जरूरी है, देखो ताकि आग ना जले। हवा चलती है ना, हवा से आग जल सकती है। तो हम देखो पानी डाल के अच्छे से बुझा के जा रहे हैं इसको, तो बुझाना बहुत जरूरी है। तो सारा पानी डाल रहे हैं इसको, अच्छे से बुझ जाएगी ना। तो गाइस मेरा खाना तो हो गया, तो चलो अब चलते हैं। सारी पैकिंग कर ली है, हम प्लास्टिक कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, सब कुछ लेके जाते हैं हम। तो जंगल में आओ तो गंदगी मत फैलाना बिल्कुल भी, कभी भी। अब देखना भाई डेंजरस रोड मस्त, अब दोबारा पूरी बॉडी हिलेगी, पूरी गाड़ी इतनी तेज हिलती है ना, हिलने के लिए तैयार। अब खतरनाक रास्ते दिखाते हो आपको। तो हमारी बोतल खाली हो गई थी, तो यहाँ पानी दिखा हमको, ये पीने का ही पानी होता है। मस्त ठंडा पानी, ठंडा हाँ ठंडा है। ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट्स, हाँ, ये अच्छा प्लांट। तो गाइस ये जो प्लांट्स है ना, इनको भी हम तोड़ के इसकी सब्जी बना सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। चलो मैं भी पी लेता हूँ, मस्त है गाइस, मजा आ गया। जब भी आप पहाड़ पे आओ तो इस तरह से पानी पी सकते हो। गाइस मैं तो मस्त पीछे बैठा हूँ और जो हिल रहा हूँ ना, लेकिन मजा आ रहा है, पूरा दिख रहा है यहाँ से व्यू। हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आज तक कभी कोई गाड़ी आई नहीं है, सिर्फ जेसीबी आई है और जेसीबी ने ये रोड बनाई है। अभी हमको सामने एक घर दिखा, कितना प्यारा लग रहा है। देखो ऐसी जगह पे लोग रहते हैं, लिटरली लोग रहते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह बहुत सारी होंगी, पहाड़ के टॉप टॉप पे, जहाँ पे मतलब इस तरह के गाँव होंगे, इस तरह के घर होंगे, हम सारे एक्सप्लोर कर लेंगे सारे। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल कहाँ पे है? कोई गाड़ी चलती है यहाँ पे? कोई गाड़ी नहीं चलती, हमारी पहली गाड़ी है भाई। स्कूल के बच्चे मिल रहे हैं यहाँ तो, ये देखो स्कूल के बच्चे, ये देखो स्कूल के बच्चे। गाइस देखिए स्कूल है यहाँ पे, देख लो इतनी ऊपर आके भी स्कूल है, गाड़ी नहीं आती यहाँ पे लेकिन स्कूल है। तो अभी हमको जाना है सामने वाले पहाड़ पे, वहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ बच्चे जा रहे हैं। देखो पतली सी रोड, देखो कितनी पतली रोड है और नीचे देखो खाई है। स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल कहाँ है? अच्छा ऊपर है, छुट्टी हो गई। अभी तक हम 2 ही किलोमीटर आए हैं, 8 किलोमीटर बाकी है। ओके बच्चों बाय बाय। तो गाइस इसे कहते हैं रियल एडवेंचर। कितनी प्यारी जगह है, देखना दिल खुश हो गया भाई, हम कितनी ऊपर आ गए। गाइस हम सबसे ऊंचे पहाड़ पे आ गए, इससे ऊंचा पहाड़ कोई नहीं है। देखो कहाँ आ गए ये देखो साइड मिरर के हाल हो गया। तो गाइस फाइनली हमको दिख चुका है जिसके लिए हम आए थे, वो है सामने हरिस्ताल। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, गाड़ी का हाल देखो पूरा कीचड़ कीचड़। तो भी गाइस हम हरिस्ताल नहीं जा रहे, हमने ऊपर से ही देख लिया, बिकॉज ना वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही तो हमको पैदल जाना पड़ेगा। अगर पैदल चले गए ना फिर हम घर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज यहाँ से घर जाने में 4 घंटे लगेंगे हमको, और देखो रास्ता कितना खराब है। तो फिलहाल रुके हैं यहाँ पे, गाड़ी पार्क कर दी है
और यहाँ पे एक घर सा दिखा यहाँ पे ना। चाय वगैरह तो दे ही देंगे यार, गांव वाले लोग अच्छे होते हैं, तो हाँ चाय वगैरह पीते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं वापस हल्द्वानी। भाई आज जो व्यू देखने को मिले ना हमको, बहुत बहुत मस्त है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये क्या चीज़ है इसमें, देखते हैं क्या है। खाली है ये देखो, यहाँ पे काई जमी पड़ी है, तो मैंने जूते उतार दिए। ये यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ होते होंगे। तो ये है यहाँ पे मंदिर, और यहाँ से देखो सामने का व्यू कितना मस्त आ रहा है। ये देखो सांप का पेड़ दिखाता हूँ आपको, ये सांप का पेड़ होता है, जहरीला होता है। कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार। गाइस एक और बहुत पुरानी चीज दिखाता हूँ आप, ये देखो इतना ऊंचा झूला मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, इतना ऊंचा भाई, पता नहीं कितना पुराना होगा ये। तो यहाँ पे तो मुर्गियां भी हैं, लेकिन बेचारों को एक दिन कोई ना कोई खा जाएगा यार। और गाइस यहाँ पे देखो मैगी भी मिलेगी हमको, मैगी तो मिल जाती है सब जगह, मैगी मिल जाती है। तो यहाँ पे तो दुकान भी है, तो मैं यहाँ से चिप्स वगैरह ले रहा हूँ। तो भी रास्ते के लिए कुछ सामान ले लिया, चिप्स वगैरह मैंने, क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं और बनाने का टाइम है नहीं, हमको घर जाना है जल्दी। वॉशरूम है यहाँ पे, कहाँ है। यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ये है बाथरूम, ये है वॉशरूम, ठीक है। लेकिन दोनों का डोर देखो सेम है, और कुंडी देखो कैसी है, इस तरह से लगाना है, और फिर ये लकड़ी है, लकड़ी को इस तरह से डालना है, तो लगी कुंडी। तो अब निकल पड़े हैं वापस घर के लिए। भाई कहाँ जा रहे हो, ये गाड़ी मस्त लग रही है भाई, ये आपने खुद बनाई है। किस चीज के लिए, सामान ले आने के लिए, ऐसी मजे के लिए, मजे के लिए। तो अभी गाइस देखो हम कहाँ पे हैं, लास्ट टाइम जो दिक्कत आई थी ना वही दिक्कत आ गई है, दिखाता हूँ आपको। स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा दोबारा, ये भी अभी होना था, देखना कहाँ पे हुआ है, नीचे खाई है पूरी, लेकिन बॉय भी ठीक कर देंगे मुझे भरोसा है यार। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, इतना मजा आ रहा था हमको, खतरनाक जगह पे अटकी हुई है। फिलहाल अभी हमने पत्थर लगा दिए यहाँ पे, देखो पत्थर लगा दिए, ये टूट गया देखो। इसमें कुछ ऐसा करना ना कि कुछ हो ना, झटके से जैसे हो जा रहा है। तो फाइनली बॉय भैया ने ठीक कर दिया, देख लो जुगाड़ लगा के कुछ ठीक कर दिया, जबकि ये टूट चुका था, फिर भी जुगाड़ लगा के ठीक कर दिया। देखो जब ऑफ रोडिंग करते हैं ना तब कुछ भी हो सकता है, तो आपको सारा काम आना चाहिए, आप कहीं भी फंस सकते हो। आप देखो खाई के बिल्कुल बगल में फंस सकते हो, कुछ भी हो सकता है, अगर काम आता है तो आप उसी टाइम ठीक कर सकते हो, जैसे भी कर दिया। अब थोड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, थोड़ा जुगाड़ करा है, बस पहुंच जाए हम। चल गई भाई, स्टीयरिंग काम ही नहीं कर रहा था इसका। तो अब हम चल रहे हैं बहुत आराम से, बिकॉज जुगाड़ कर रखे दोबारा टूट सकते हो। रोड कितनी रिस्की है, बस एक बार मेन रोड तक पहुंच जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तभी गाइस रुके यहाँ पे, यहाँ पानी दिखा हमको, तो मुंह धो लेता हूं मैं, बिकॉज सुबह से इतना मिट्टी हो रखा है ना, पूरी मुंह में, पूरी सब जगह मिट्टी हो रखा है। गाइस हमारी गाड़ी फंस गई थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे पता बुरा किस बात का लग रहा है, जो लोग यहाँ रहते हैं, मतलब हम तो एक दिन के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ ख़राब हो सकती है, और जो लोग रह रहे हैं, जो गांव में रहे, जैसे मैंने आपको दिखाया, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पैदल स्कूल जा रहे हैं, इन यहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो कैसे रहते होंगे, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, इतने ख़राब रोड हैं, वो पैदल जा रहे हैं। तो सरकार को यहाँ की रोड्स के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि पक्की रोड्स हो जाएँ, ताकि प्रॉपरली अच्छी तरह से गाड़ियाँ चल सकें यहाँ पे। यहाँ गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, जैसे कि आपने देखा इतने ख़राब रोड है, गाड़ियाँ चल नहीं सकती, हमारे तो फिर भी 4x4 है, वो भी ख़राब होगी, देख लो इतने ख़राब रोड है। तो हमने सभी गांव वाले से बात की, जो भी हमसे मिल रहे, सभी यही बोल रहे थे कि यहाँ रोड्स बेकार हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सरकार तक ये वीडियो पहुँचाओ, उनको दिखाओ कि यहाँ पर रोड्स कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। हम ऑफ रोडिंग करते हैं, हम तो एडवेंचर के लिए आ गए, लेकिन ये एडवेंचर एक दिन के लिए एडवेंचर है हमारे लिए, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं गाँव वालों के लिए डेली एडवेंचर है, उनको डेली कितनी दिक्कत होती है। तो हाँ इस बात का मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है, गाड़ी तो हमारी ठीक हो जाएगी, या फिर हम आज फंस गए, एक दिन के लिए फंस गए, फिर नहीं आएंगे कभी, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी डेली। और गांव आपने देखे कितने सुंदर प्यारे प्यारे गांव हैं, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं, अगर प्यारे प्यारे रोड हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, हर कोई यहाँ पे अच्छे से आ सकेगा, अच्छे से रह सकेगा। देखो कैसी रोड्स हैं यहाँ पे, मतलब एक गाड़ी भी ढंग से नहीं जा सकती, एरिया देखो कितना सुंदर है। तभी पता यहाँ से लोग छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, यहाँ सारे घर ऐसे खाली वाली पड़े हैं, अब तो बस गिने चुने लोग रहते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे एक बात अच्छी भी है, रोड नहीं है तो, ज़्यादा लोग आते नहीं घूमने के लिए, नहीं आते तो फिर कचरा वचरा नहीं, तो कितना साफ सुथरी जगह है, कहीं पे बिल्कुल भी कचरा नहीं है, कहीं भी, आपने मेरे आज के व्लॉग में देखा होगा, कहीं भी बिल्कुल कचरा नहीं है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं सोचता हूँ कोई आए ना, सही है, लेकिन फिर भी यार गाँव वालों के लिए तो रोड होनी चाहिए। गाइस ये देखो रात को हल्द्वानी कुछ ऐसी दिखती है, ये देखो पूरी यहाँ से वहाँ तक, भाई कितनी मस्त लग रही है ना। तो फाइनली गाइस हल्द्वानी पहुँच चुके हैं, और देखो 9 बज गए भाई, मैं सुबह 7 बजे निकला था और कोई 14 घंटे हो गए भाई, लेकिन आज का दिन था अल्टीमेट था, तो फिलहाल मोटर साइकिल यहाँ पे पार्क कर दिया है। तो हाँ अभी फिलहाल चलते हैं अपनी थार लेके सीधा घर। तो अब बैठ गया अपनी थार में, अब चलते हैं सीधा घर, और अब जाके मुझे नेटवर्क मिले भाई, 12 घंटे से मेरे पास नेटवर्क भी नहीं थे,
हल्द्वानी पहुंच के नेटवर्क मिले हैं। 12 घंटे से नो फोन, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो कुछ। और हाँ, एक बात और, जिस गांव में हम गए थे ना, वहाँ नेटवर्क भी नहीं थे। अगर उस गांव में किसी को कुछ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो किसी को कोई कॉल भी नहीं कर सकता। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो नेटवर्क की और एक रोड की, जो कि ठीक होनी चाहिए। वैसे प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं और भी, लेकिन दो मेन प्रॉब्लम है। सोसाइटी तो पहुंच गए, थोड़ा लेट हो गया यार, मम्मी गुस्सा ना करे, 9:30 बज गए हैं। होपफुली ना करे मम्मी गुस्सा, कर भी सकती है। थोड़ा बहुत डर लग रहा है मुझे, घर जब भी लेट पहुंचता हूं ना मुझे डर लगता है, और जब सोचता हूं डांटेगी तब नहीं डांटती, इसलिए आज सोच रहा हूं कि डांटेगी ताकि ना डांटे। कुनाली, ये अभी इतने क्यूट क्यों लग रहे हो आज? भाई ये देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया, पूरी मिट्टी मिट्टी, पूरी मिट्टी, पूरी जींस में मिट्टी, सब जगह मिट्टी मिट्टी। तो अब मैं तो सबसे पहले नहाऊंगा भाई, क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है सब जगह। तो फाइनली नहा के कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और इतनी मिट्टी निकली, मैं 3 बार साबुन लगाया, इतनी मिट्टी निकली भाई। लेकिन हाँ, अब सही लग रहा है नहाने के बाद। तो आज खाने में है खिचड़ी, खिचड़ी बनाई मम्मी ने, तो चलो खिचड़ी खाएंगे। और हाँ, मम्मी ने डाटा नहीं, सबसे बढ़िया बात, मुझे डर लग रहा था भाई मम्मी डाटे के, लेकिन मम्मी ने डाटा नहीं। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Never look back, now we're over, that's a fact.